सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजेडी पर। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का। एंड आज हम आपको दिखाएंगे विजय मेहर सर ने ये वाला फ़ोटो एडिटिंग किस तरह से की थी, वही मैं आपको एकदम सही तरीके से बताऊंगा। एंड इसका जो बैकग्राउंड एंड पीएनजी होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फुल एचडी में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। सो दोस्तों, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। स्टेप में आपको ये वाला बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये वाला बैकग्राउंड एकदम फुल एचडी है। सो दोस्तों, फिर हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर हम यहाँ पर मॉडल वाला फोटो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, इस फोटो का मैंने बैकग्राउंड पहले से ही इरेज करके रखा था। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख कर आप सीख सकते हो कि फुल एचडी में बैकग्राउंड किस तरह से इरेज किया जाता है। सो दोस्तों, अभी हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर यहाँ पर हमें स्मोक वाला पीएनजी हमें ऐड करना पड़ेगा। सो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कौन सा पीएनजी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये वाला पीएनजी जो कि विजय मेहर ने यूज़ किया था। सो दोस्तों, इसको हम ब्लेंड में जाएंगे। ब्लेंड में जाकर स्क्रीन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे सीधा सा इरेजर में। इरेजर में जाकर हम यहाँ से ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ से इरेज कर लिया है। अभी हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हम फिर से जाएंगे ऐड फोटो में। फिर से ऐड फोटो में जाकर फिर से वही स्मोक वाला पीएनजी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो दोस्तों, मैं ये वाला पीएनजी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। कहाँ गया? हाँ, ये वाला पीएनजी मैं फिर से यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद इसको उल्टा करके यहाँ पर लगा दूँगा एंड ब्लेंड में जाकर स्क्रीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अभी हम जाएंगे इरेजर में। हार्डनेस को फुल करेंगे, ओपेसिटी को फुल करके सारे के सारे को हम इरेज कर लेंगे। तो अभी हम ड्रॉबल ऑप्शन में जाएंगे। ड्रॉबल ऑप्शन में जाकर साइज को छोटा करेंगे। साइज को छोटा करके हमारे मुंह के ऊपर स्मोक का इफेक्ट हमें डालना पड़ेगा। सो दोस्तों, हम यहाँ से जूम करके यहाँ पर दो लाइन बना देंगे ऐसे, तो देखने में एकदम रियलिस्टिक सा लुक यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ से लाइन बनाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा बुरा करेंगे एंड यहाँ से हम हार्डनेस को 30 या 35 के बीच में रखेंगे। 35 के बीच में रख कर यहाँ पर हम स्मोक का इफेक्ट डालेंगे। सो दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ पर स्मोक का काम खत्म कर लिया। सो यहाँ से हम सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर यहाँ पर हमें सिगरेट का पीएनजी ऐड करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये वाला पीएनजी हम हाथों के ऊपर ऐड करेंगे। ये उल्टा करके यहाँ पर अपने हाथों के ऊपर छोटा करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, अभी हम जाएंगे इरेजर में। इरेजर में जाकर हमें हार्डनेस को फुल करेंगे, ओपेसिटीज को फुल करेंगे एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज कर लेंगे एंड हमारे और एक उंगलियों के ऊपर सिगरेट का पीएनजी आ गया है। सो दोस्तों, यहाँ से भी हम ठीक से इरेज कर लेंगे ताकि देखने में एकदम रियलिस्टिक सा लुक यहाँ पर आ जाए। सो दोस्तों, मैं जिस तरह इरेज कर रहा हूँ आप भी ठीक उसी तरह इरेज करना, नहीं तो आपका पिक रियलिस्टिक जैसा नहीं लगेगा। सो दोस्तों, फाइनली हमने बैकग्राउंड एंड पीएनजीज का काम खत्म कर लिया है पिक्सर आर्ट में। सो दोस्तों, अभी हम इस फोटो को ड्रॉ टूल में क्लिक करके अभी हम थ्री डॉट में जाएंगे। थ्री डॉट में जाकर इस पिक को हम अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे सीधा लाइट रूम में कलर एडिटिंग के लिए। सो दोस्तों, ये रहा मेरा लाइट रूम।
अभी अपना पिक लाइटरूम में एडिट करना सीख लीजिए, क्योंकि लाइटरूम का जो एडिटिंग है बहुत ही अच्छा एडिटिंग है। सो दोस्तों, हम यहाँ पर अपना फोटो ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, फाइनली हमने लाइटरूम पर अपना पिक यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम यहाँ से सनबल ऑप्शन में जाएंगे, एक्सक्रूज को थोड़ा सा कम कर लेंगे, हाईलाइट को हाई कर लेंगे। हाईलाइट को हाई करने के बाद यहाँ से हम व्हाइट को हाई कर लेंगे। व्हाइट को हाई करने के बाद हम ब्लैक को यहाँ से लो कर लेंगे। लो करने के बाद यहाँ से सीधा सा हम डन कर देंगे। डन करने के बाद हम कलर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम कस्टम वाला ऑप्शन लेंगे। कस्टम वाला ऑप्शन लेने के बाद हम गुलाबी कलर के ऑप्शन में जाएंगे, ह्यू को थोड़ा सा हाई करेंगे, सेचुरेशन को लो करेंगे एंड लुमिनियस को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। सो दोस्तों, अभी हम जाएंगे येलो कलर के ऑप्शन में, ह्यू को हम एकदम लो कर लेंगे, यहाँ से जितना चाहे लो कर लेंगे। उसके बाद हम सेचुरेशन को हाई कर लेंगे। सेचुरेशन को हाई करने के बाद लुमिनियस को भी यहाँ पर हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे। अभी हम रेड कलर के ऑप्शन में जाएंगे, ह्यू को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, सेचुरेशन को हाई कर लेंगे एंड लुमिनस को भी यहाँ से हम हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद यहाँ से हम सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे ट्रायंगल वाला ऑप्शन में। सो दोस्तों, यहाँ से ट्रायंगल वाला ऑप्शन में जाने के बाद हम शार्पनेस को हाई करेंगे। शार्पनेस को हाई करने के बाद हम मार्किंग को यहाँ से थोड़ा सा हाई कर लेंगे। मार्किंग को हाई करने के बाद हम यहाँ से नीचे जाएंगे। नीचे जाकर हम नॉइज़ वाला ऑप्शन मिलेगा, उसको हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे। सो दोस्तों, ये रहा नॉइज़ वाला ऑप्शन, इसको भी थोड़ा सा हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद हम फिर से नीचे जाएंगे। नीचे जाकर कलर नॉइस को भी हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे। तो दोस्तों, इतना सा करने के बाद हम जाएंगे सर्कल वाला ऑप्शन में। क्लियरिटी को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। यहाँ से क्लियरिटी को हाई करने के बाद हम विग्नेट को लो कर लेंगे। सो दोस्तों, विग्नेट को लो करने के बाद ये वाला एडिटिंग जो है हमारा हो गया है। सो दोस्तों, आज का एडिटिंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इस सभी धमाकेदार एडिटिंग के साथ।